हेलो, मैं डॉक्टर विक्रम हूँ। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंड पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज वीज और वीजी कॉफ। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये वीज वर्ड यूज़ करते हैं और कुछ अपनी अपनी तरफ से वो डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज वीज। कुछ स्नोरिंग को वीज समझ रहा होता है, कोई नोज से साउंड निकल रही होती है तो उनको वीज वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज वीज? वीज यूजली एक डॉक्टर का साइन होता है जो ये डॉक्टर आइदर अपने स्टेथोस्कोप से सुनता है या कई बार ये वैसे भी ऑडिबल होती है, वैसे ही सुनाई देती है, सीधा ईयर्स को सुनाई देती है। ये वीज है क्या या वीजी कफ है क्या? ये वीज यूजली तभी होते हैं जब हमारे जो सांस की पाइपें हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज रेस्पिरेटरी पाइप होती हैं, वो यूजली कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो स्पाज़म में चली जाती हैं। जब वो स्पाज़म में चली जाती हैं तो जब भी एयर बाहर निकलती है उन कंस्ट्रिक्टेड पाइप से तो एक पर्टिकुलर एक विस्लिंग साउंड आती है विच यूजली साउंड लाइक ये वीज यूजली खांसी के साथ एसोसिएटेड होती है। खांसी इसमें यूजली इट इज ड्राई टाइप होती है, इसके साथ कोई फ्लेम या कोई बलगम एसोसिएटेड नहीं होता है। अगर ये स्पाज़म बहुत ज्यादा हो जाए तो बच्चे की ये जो साउंड है ये इंस्पिरेशन सांस लेते वक्त भी आ सकती है, सांस छोड़ते वक्त भी आ सकती है। कई बार अगर सिवियर स्पाज़म हो जाए तो उसमें बच्चे की सांस तेज चलती है, उसमें उसकी खांसी होती है, ड्राई होती है। ये जो वीज के साथ खांसी होती है ये यूजली ड्राई नेचर होती है। ये इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न भी होता है कि कभी कभी ये अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट ज़्यादा होती है। ये खांसी बढ़ती है स्पेशली जब ये बच्चा खेलता है, भागता है, रोता है, लाफ करता है। ये कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये वीजी कॉफ है। वीजी कॉफ क्यों होता है? इसके होने के मल्टीपल कारण होते हैं पर जो कॉमनेस्ट कारण बच्चों में होता है, कोई इन्फेक्शन हो गया तो उनकी रेस्पिरेटरी पाइप में सूजन आ गई है, सूजन आने के बाद उनको ये वीजी कॉफ हो सकता है। दूसरा कोई एलर्जी के कारण उनका सूजन आ गया है। अगर ये खांसी बार बार किसी को हो रही है, उसके साथ बार बार वीज आ रही है, इट कुड बी साइन ऑफ अस्थमा एज वेल। दीज आर द फ्यू ऑफ द कॉमनेस्ट कारण है। और भी कारण होते हैं पर ये बच्चों में हमारे कॉमन कारण होते हैं। इसको ठीक कई बार इसका ट्रीटमेंट, जैसे बहुत तरह का ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट सिरप में फॉर्म में भी आता है, नेबुलाइजर। बहुत सारे पेरेंट्स घर पे नेबुलाइजर यूज करते हैं, कोई भी खांसी हो उसमें वो नेबुलाइज कर देते हैं, चाहे वो गीली खांसी हो, चाहे वो नॉर्मल जुकाम वाली खांसी हो, पर जो नेबुलाइजर है वो स्पेसिफिक टाइप की खांसी के बना हुआ है जो एक वीजी कॉफ है। इसको ठीक करने के लिए सम टाइम डॉक्टर प्रिस्क्राइब एक तरह के एक मीटर डोज इनहेलर या जिसको हम कहते हैं पंप भी यूज करते हैं जो क्वाइट हेल्पफुल होते हैं। अगर आपके बच्चे में ये वीजी कॉफ बार बार हो रही है, उसके वीजी कॉफ के बढ़ने के कुछ स्पेसिफिक रीजन आपको समझ लग रहे हैं, जैसे चेंज इन सीजन, इंक्रीज इन पोल्यूशन, इंक्रीज इन डस्ट, या रेयरली कुछ फूड से भी उसके खांसी ये बढ़ रही है, तो प्लीज कॉन्टेक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर to find out what is actual reason of this wheezy cough. Thank you.